इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए तो इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से एक सोच सकते हैं आप कि एक आम व्यक्ति को ब्याज ज़्यादा मिलेगा, ब्याज दर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब आप पूरी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से उद्योगों को नुकसान हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एक आम व्यापारी, एक आम बिजनेसमैन पैसा उधार लेकर के बिजनेस करता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 10% की जगह हमने उसको 20% कर दिया तो व्यापारी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी, उसको ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट रेट जितनी कम रहे उतना ही देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा रहता है, व्यापारियों को फ़ायदा मिलता है, बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलता है। इंटरेस्ट रेट आज पूरी तरह डिमांड सप्लाई पर निर्भर है, ज़्यादा डिमांड तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करने वाले कई तत्व हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक। भारत की रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक साल में 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करती है और इस मॉनेटरी पॉलिसी से वो इंटरेस्ट रेट की दशा और दिशा को तय करती है। रिजर्व बैंक चाहे तो अपने नीतिगत प्रयासों से इंटरेस्ट रेट को कम करवा सकती है, चाहे तो बढ़वा सकती है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी में कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो CRR। CRR क्या है? जैसे मान लीजिए एक बैंक ने 100 रुपये डिपॉजिट हुए एक बैंक के अंदर, उस 100 रुपये में से उस बैंक को कुछ रुपए अपने पास रिजर्व में रखने पड़ेंगे, यानी मान लीजिए CRR है 10%, तो उस बैंक को 100 रुपये में से 10 रुपये तो अपने पास जमा रखने पड़ेंगे कैश के रूप में, नगद के रूप में, 90 रुपये वो लोन के रूप में दे सकता है। अगर CRR की रेट बढ़ा देंगे हम तो बैंक कम लोन दे पाएगा, CRR की रेट कम कर देंगे तो बैंक ज़्यादा रुपए लोन दे पाएगा, बैंक ज़्यादा रुपए लोन दे पाएगा यानी सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, बैंक कम लोन दे पाएगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह SLR है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक्स को जितने रुपए वो डिपॉजिट के रूप में लेते हैं आम लोगों से, उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में निवेश करनी पड़ती है। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये कलेक्ट हुए, उन 100 रुपये में से मान लीजिए SLR की रेट है 25%, तो बैंक को 25 रुपये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने। अगर SLR की रेट बढ़ा देंगे तो बैंक लोन कम दे पाएगी आम बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को। SLR की रेट कम कर देंगे तो आम बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा लोन दे पाएगी, तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट का मार्केट भी पूरी तरह डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रिजर्व बैंक की पॉलिसीज़, इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बिजनेस करने के लिए लोग हतोत्साहित होंगे, एंटरप्रेन्योर्स हतोत्साहित हो जाएंगे, वो बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। लोग सोचेंगे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बजाय, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं, बॉन्ड्स में पैसा लगाएं, बैंक से FD में ही हमें 20% रिटर्न मिल जाएगा, 10% रिटर्न मिल जाएगा, तो हम काहे के लिए परिश्रम करें, क्यों मेहनत करें, क्यों एंटरप्रेन्योर बने। इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोगों को मजबूर होकर के अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि उनको रीजनेबली अच्छा रिटर्न मिल सके और उनको बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बिजनेसमैन को भी कम इंटरेस्ट रेट होगी तो लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, वो जोखिम ले लेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर बहुत भार पड़ेगा, वो लोन का पेमेंट नहीं कर पाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट का भार बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वो सोचेगा मैं क्यों बिजनेस करूँ, क्यों रिस्क लूँ। तो अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं, इकोनॉमी की तरक्की चाहते हैं, तो हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए इंटरेस्ट रेट कम। लेकिन इंटरेस्ट रेट को तय करने वाले और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे मुद्रास्फीति। अगर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है
तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही होगी। अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है तो इंटरेस्ट रेट 5% से कम तो हो ही नहीं सकती। अगर इन्फ्लेशन की रेट 10% है तो इंटरेस्ट रेट 10% से कम तो हो ही नहीं सकती। तो इन्फ्लेशन को प्रभावित करने वाला ये एक और फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट कम होते ही आपके देश की इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। भारत के अंदर अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, एमर्जिंग इकोनॉमी है, पॉपुलेशन भी ग्रोइंग है, डिमांड भी ग्रोइंग है, जीडीपी में सालाना 7% के करीब ग्रोथ हो रही है भारत में। इसलिए बिजनेसमैन मोटिवेटेड है इन्वेस्ट करने के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, वो सोचता है मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा तो मैं भी अच्छा इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। इसलिए भारत में डिमांड भी ज़्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहती है, इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा रहता है। लेकिन कई देश हैं जहाँ इकॉनमी अब स्टेबल हो गई है, ग्रोथ रुक गई है, वहाँ इन्फ्लेशन रेट भी अब स्टेबल है, ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है और नया इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है क्योंकि बिजनेसमैन को इंसेंटिव नज़र नहीं आ रहा। बिजनेसमैन अपना पैसा वहाँ लगाता है जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी वहाँ मार्जिन्स भी ज़्यादा होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो एक व्यक्ति ज़्यादा पेमेंट कर सकता है और बिजनेसमैन को मार्जिन ठीक मिल सकता है। जब डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा है, तो बिजनेसमैन अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, उसको लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट से ही अन्य सारे तत्व जुड़े हुए हैं, जैसे देश के अंदर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। भारत में अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होगी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत में पैसा ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भारत में हम पैसा निवेश करेंगे तो हमको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जब कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो उसको दो तरह का रिटर्न मिलता है। एक तो होता है शेयर से जो डिविडेंड या जो इंटरेस्ट या वारंट या जो भी मिल रहा है वो, दूसरा होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए जब मैंने खरीदा तब शेयर बिक रहा था 1000 रुपये में और साल भर बाद उस शेयर की रेट हो गई 1200 रुपये, तो 200 रुपये मुझे मिल गए कैपिटल अप्रिसिएशन के रूप में। कैपिटल अप्रिसिएशन तभी होगा जब शेयर मार्केट में तेज़ी रहेगी, और शेयर मार्केट में तेज़ी तब आती है जब दूसरे चीज़ें उनको भी देखना पड़ता है, जैसे ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी हो, निवेश का माहौल हो, सरकार विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रही है, सरकार की ऐसी नीतियां हैं जो व्यापार को प्रोत्साहन देने वाली है, बिजनेस को प्रोत्साहन देने वाली है, इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, तो ये सारे जो तत्व हैं उन सब तत्वों से क्या होगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा। शेयर मार्केट को बढ़ाने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी देश के अंदर अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो उस शेयर मार्केट में तेज़ी आएगी, रेट बढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, LIC, ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं और इनके निवेश करने से ही शेयर मार्केट में तेज़ी आती है। और जब ये लोग निवेश कम करते हैं, ये निवेश करना बंद कर देते हैं या इस मार्केट से रुपए निकाल के दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो शेयर मार्केट गिरने लग जाता है। तो बहुत सारे तत्व हैं, ये सभी आपस में मिलकर के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड को, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रभावित करते हैं।